मालदीव से तनाव के बाद भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। लक्षद्वीप टूर पैकेज को लेकर इंटरनेट और वेबसाइट पर सर्च में काफी इजाफा हुआ है। क्रूज के जरिए लक्षद्वीप पहुंचने वाली कार्डियालिया क्रूज की बुकिंग पूछताछ भी पिछले 10 दिनों में ही करीब 2500% तक बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में देश और दुनिया ने लक्षद्वीप की जो अनदेखी तस्वीरें देखी हैं, वो साकार हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण। 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे। प्रधानमंत्री ने भारतीयों से लक्षद्वीप जाने की अपील की तो भारतीयों की उत्सुकता भी तेजी से बढ़ी है। 2023 तक लक्षद्वीप में बहुत सीमित संख्या में भारतीय पर्यटक पहुंचते थे। 2021-22 के दौरान लक्षद्वीप में 23,202 पर्यटक पहुंचे, जबकि 2022-23 के दौरान लक्षद्वीप पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 47,838 रही। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में ये आंकड़ा कई गुना तक बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद अब टूरिस्ट भी लक्षद्वीप की ओर बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं। कौडल्या क्रूज से आए? हाँ जी, हम आए हैं, बाकी सब भी अभी आएंगे। तो कितना समय लगा, कहाँ से आपने कौडल्या क्रूज से अपनी यात्रा शुरू की है? मुंबई पहुंचे करीब। अच्छा, तो कितना समय लग गया लक्षद्वीप तक आने में? अप्रोक्सीमेटली 48 घंटे बुकिंग किया था कौडल्या में, और वही टाइम पे हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द लक्षद्वीप। सो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग मालदीव की जगह पे हम लोग यहाँ पे आए। आई हैव बीन टू मालदीव्स भी, इफ यू कंपेयर दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन मालदीव्स। लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी कई कदम उठा रही है, जिसमें वहां पर नए एयरपोर्ट का निर्माण भी शामिल है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए पर्यटक विमान सेवाओं के साथ साथ क्रूज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कौडल्या क्रूज से लक्षद्वीप टूर पैकेज के लिए पर्यटकों का रिस्पांस जबरदस्त बढ़ा है। कौडल्या क्रूज की बुकिंग के लिए पूछताछ करने वालों की संख्या में 2500% का इजाफा हुआ है, और ये इजाफा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद हुआ है। कौडल्या क्रूज देश का सबसे लग्जरी क्रूज है। ये क्रूज वर्षों से यात्रियों को लक्षद्वीप की सैर करवा रहा है। कौडल्या क्रूज के जरिए पर्यटक मुंबई, गोवा और कोची के रास्ते लक्षद्वीप जा सकते हैं। भारत के सबसे खूबसूरत बीच तक पर्यटकों को पहुंचाने में कौडल्या क्रूज सबसे आगे रहा है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। साल 2021 से अब तक कौडल्या क्रूज के जरिए 2,00,000 से ज्यादा पर्यटक लक्षद्वीप की यात्रा कर चुके हैं। हर साल करीब 80,000 यात्री कौडल्या क्रूज के जरिए ही लक्षद्वीप पहुंचते हैं। कौडल्या क्रूज लक्षद्वीप की पर्यटन अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है। मालदीव से तनाव के बाद लक्षद्वीप जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए पहली पसंद बन गया है कौडल्या क्रूज। हम आए हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, और हमारे दोस्त और 6 साथी भी हैं। सब मिलकर हैदराबाद से फ्लाइट लेके बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे से कौडल्या क्रूज से आए हैं। अच्छा। दिन भर यहाँ घूमेंगे। तो हम लोग मुंबई से होते हुए क्रूज पे लक्षद्वीप पहुंचे हैं। हम लोग जो है 115 लोग हैं, और गाजियाबाद से आए हम लोग, यूपी से। लक्षद्वीप यहाँ आने के बाद पता लगा इतना सुंदर है, और यहाँ मजा आ रहा है। वाटर स्पोर्ट्स में तो सबको मजा ही मजा आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब भारतीय पर्यटक मालदीव को भूलकर लक्षद्वीप की ओर रुख करने लगे हैं। अगले कुछ महीनों में लक्षद्वीप आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए पर्यटक अपनी सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ऐसे रूट का इस्तेमाल करेंगे जिससे लक्षद्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद और भी शानदार तरीके से उठा सके। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।